देखिए जी, एक बड़ा अच्छा एफर्ट है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह यूथ बढ़ चढ़ कर सामने इस पूरी कैंपेन में हिस्सा ले रही है, ये बहुत इनकरेजिंग है और ऐसा होना चाहिए। और जब आप देखें कि एक हुकूमत अगर इसमें उस तरह के इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम नहीं लेती रही, तो मैं समझता हूँ कि ये यूथ का काम है कि इस चीज़ को ताज़ा रखे, इस चीज़ को अलाइव रखे और ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि लोग मजबूर हो जाएं इस मिशन को आगे ले जाने में। और ये कश्मीर का जो मामला है, ये हमारे दिल के करीब है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है और कश्मीर को हमारे साथ धड़कना चाहिए। मैं समझता हूँ कश्मीर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट आपस में कॉमन है और ये हमारी कमिटमेंट है। इसके ऊपर यूएन रेजोल्यूशन है। हमें उससे हट के एक लफ्ज़ ना तो टॉलरेट करना चाहिए और ना उसके बारे में बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया बैनुल अक्वामी लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने बाकायदा इसकी फेवर में एक बात की हुई है, उसके मुताबिक ये मामला चलना चाहिए। किसी हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है और ये बिल्कुल बाइलेटरल मसला नहीं है। ये हुकूमत का और इंडिया का मसला नहीं है। ये कश्मीर के मामले में बैनुल अक्वामी फैसला मौजूद है, तो हुकूमतें कौन होती हैं इस फैसले के बारे में अपना रद्दोबदल करने वाली? कश्मीरियों की किस्मत का फैसला है, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए जो मौजूद है, उसके अलावा कोई कबूल चीज़ नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फौरी तौर पे इस तरफ नज़र जो है वो दौड़ानी चाहिए। ये उसूलों की बुनियाद पर है। वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत का फैसला खुद करना है, ये उसूल है। जब उसूल आप फॉलो करेंगे तो पूरी दुनिया में उन उसूलों की बुनियाद पर अमन और सुकून होगा। और अगर आप उसूलों को वायलेट करेंगे तो फिर यही चीज़ें जो हैं कल को आपके इलाके में भी लोग उठेंगे और वो कहेंगे कि जनाब हमें भी यहाँ पे आज़ादी चाहिए, हमें भी वहाँ पे आज़ादी चाहिए। और ये उसूल की बुनियाद पर आप उनको जब दबाने की कोशिश करेंगे तो ये मामले आपसे बिगड़ जाएंगे। तो आज़ादी की जो बात है वो उनका हक है और उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये अभी जैसे LOC के मामले हुए हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ना जी कि कश्मीर के मामले से अटेंशन डाइवर्ट करना मकसद है और ये बताना मकसद है कि कश्मीर में सब अमन सुकून है। ये पाकिस्तान जो है ये इस तरह की दहशतगर्दी करवा रहा है ताकि कश्मीर में मुसीबत और ट्रबल क्रिएट की जाए। हमें इंडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखाना है। हमारे पास एविडेंस मौजूद है। हमें उनको दिखाना है कि भारत एक्चुअली तशद्दुद में इन्वॉल्व है। कश्मीरियों को ज़बरदस्ती सप्रेस किया गया है। ये कश्मीरियों की इंडिजिनस मूवमेंट है जो वहाँ उठ के फिर वो रिएक्शन शो करते हैं। और अगर आप वहाँ अमन सुकून चाहते हैं तो कश्मीर का मसला हल करें, वरना कश्मीरी नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल करनी है, उसके लिए फिर जितना भी खून उनको देना पड़े उन्होंने आज तक दिया है और वो आइंदा भी देंगे। ये पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि उस मूवमेंट में उनके साथ शामिल हो। ये पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान जो है इसीलिए प्रेशराइज आपको दहशतगर्दी के जरिए कर रहा है कि आप कश्मीरियों के बारे में आवाज़ उठानी बंद कर रहे हैं।